जौनपुर में अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक सस्पेंड। कॉलेज प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम कर रही मामले की जांच। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अलीगढ़ में एमयू प्रोफेसर पर शोध, छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। ऐसे में पीड़ित छात्र ने डीजीपी और एसएसपी से शिकायत। कानपुर में पुलिस ने गुम हुए 35 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। पिछले 6 महीने में पुलिस के पास आई थी 35 मोबाइल के गुम होने की शिकायत। इटावा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हुई लग्जरी कार चोरी बरामद की। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए शख्स ने चोरी की थी डॉक्टर की कार। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र के मोदीपुर चार फाटक क्षेत्र में भू माफिया के खिलाफ राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। भू माफिया और गैंगस्टर ओम प्रकाश पांडे का 3 करोड़ का मकान सील किया। गुंडा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। दो नाबालिग आरोपियों को पुलिस पहले ही ले चुकी है हिरासत में। पुरानी रंजिश में दिया गया घटना को अंजाम। शामली में जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चा घायल। घायल बच्चे का इलाज जारी। कांधला थाना क्षेत्र के गंगेरू रोड पर हादसा। चंदौली में सिंगीतला ताली गांव में खड़ी ट्रक से टकराया बेकाबूकार। कार चालक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। अयोध्या में दुकान निर्माण के दौरान धमाका हुआ। मजदूर का एक हाथ बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। आगरा में चंबल पैंटून पुल की हालत जर्जर है। पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दे रहा ध्यान। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कुशीनगर में सफाई के दौरान शौचालय की टंकी में गिरने से 4 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पुलिस और मृतकों के परिजनों में हुई नोकझोंक। कन्नौज में नहर में नहाने गए किशोर की डूबकर मौत। मृतक के परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। ठठिया थाना क्षेत्र का मामला। महोबा में तालाब में नहाने गया सिपाही का बेटा डूबा। युवक की तलाश में जारी है सर्च ऑपरेशन। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल के तालाब की घटना। महाराजगंज में कार डिवाइडर से टकराई, 2 युवकों की मौत। कार सवार एक और शख्स हादसे के बाद फरार। सदर कोतवाली क्षेत्र के फरिंदा रोड पर हुआ एक्सीडेंट। कानपुर में ट्रक और डंपर की आमने सामने टक्कर। बचाने के चक्कर में रेस्ट हाउस में घुसा डंपर। एक शख्स की मौके पर मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में हरिद्वार एक्सप्रेस वे ट्रेन पर चढ़ा युवक रेलवे स्टेशन पर ओएचई लाइन की चपेट में आकर घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मसूरी में फोटो खिंचवाने के चक्कर में खाई में गिरा बाइक सवार। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी। उधम सिंह नगर में बेकाबू ट्रक की चपेट में आई बाइक सवार युवक युवती गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान युवती की मौत। उधम सिंह नगर में किशोरी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई। कब्र से निकाली गई किशोरी की लाश। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। पिता पर हत्याकार। देहरादून पुलिस ने ठक ठक गैंग पर शिकंजा कसा। गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की 8 लाख नकदी बंदूक जिंदा कारतूस से कार बरामद। देहरादून में ग्राम पंचायत की जमीन से काटे गए थे हरे भरे पेड़। ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा कर रास्ता बनाने की तैयारी। प्राइवेट बिल्डर को फायदा दिलाने के लिए पूरा खाली किया गया। रानीखेत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल का स्वागत। दर्शन लाल ने पदाधिकारियों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। दूसरे G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का समापन। G20 सदस्य देश के 20 प्रतिनिधियों ने नरेंद्र नगर के औणी गांव का भ्रमण किया। सभी का पारंपरिक शैली में स्वागत किया। स्वच्छता सेवा अभियान के तहत कोटद्वार में भी अभियान की शुरुआत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अभियान का शुभारंभ किया। स्वच्छता मामले में कोटद्वार विधानसभा को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य। आडवाणी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र की भाजपा पर साधा निशाना। कहा 9 सालों में मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से चौपट हुई। रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा युवा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे। अक्षय कुमार ने बद्री विशाल के दर्शन किए। 23 मई को अक्षय कुमार ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। अल्मोड़ा के जोगेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। फूलों की माला से स्वागत किया गया। ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान किया। अक्षय कुमार के साथ लोगों ने सेल्फी। बागेश्वर में मैग्नेसाइट कंपनी पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने लगाया अनियमितता का आरोप। मामले में जनप्रतिनिधि ने डीएम अनुराधा पाल से मुलाकात की शिकायत की।
यूके SSSC परीक्षा में घोटाले का मुख्य आरोपी चंदन मंडराल पर एक्शन। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुर्क की संपत्ति। रुद्रप्रयाग में लगातार मौसम खराब हो रहने से अस्पतालों में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। ज्यादातर मरीज डायरिया, सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित श्रद्धालुओं पर भी मौसम का असर। केदारनाथ धाम में घोड़ा खच्चर संचालकों को मिलेगा रोजगार। घोड़ा खच्चरों की लीड बनेगी रोजगार का जरिया। लीड को जमा कर गमले, ईंट और कोयले बनाए जाएंगे। उत्तरकाशी में गंगा दशहरा के महापर्व को लेकर प्रशासन सतर्क। गंगोत्री धाम में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। इस बार 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद नगर पालिका में नवनिर्वाचित अध्यक्ष रईस अंसारी ने ली शपथ। साथ ही सभी सभासदों ने शपथ ग्रहण करवाया। आगरा में राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शिरकत की। जयवीर सिंह ने जैन समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा कि नसीरपुर बीहड़ इलाके में इको टूरिज्म की संभावना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे स्पेशल चार्टर अन्यतम और इससे तैराकी में जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।